तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड बॉय व्लॉग। तो अभी मैं उठ गया हूँ, करीब मैं उठ गया था 4 बजे, क्योंकि मेरा वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ था, तो अभी जस्ट कुछ देर पहले अपलोड हुआ है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। थोड़ा गाँव वाला एरिया है, इस वजह से शायद थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर। दिक्कत तो होता है, लेकिन मैं ज़्यादा दिन यहाँ रुक नहीं पाऊँगा, क्योंकि एक दो वीडियो मिस हो जाएगा अगर मैं यहाँ रुका। अपलोड होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है, रात भर छोड़ दिया, फिर भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, मैं अपलोड नहीं हो पा। तो सौरभ, क्या कैसा लग रहा है यहाँ पर? हाँ, मेरा तो ठीक ही है, हर जगह मैनेज हो जाता है। हर जगह मैनेज हो जाता है, सामने देख के बोलो। हाँ, मैनेज हो जाता है। क्या मैनेज हो जाता है? अरे अब कैसा हो रहा होता है। तो सुबह सुबह नानी को आज चोट लग गई। कहाँ लगी नानी, दिखा। यहाँ हल्का सा कट गया, यहाँ पर हार घुरे जा कट जाई थी, कुछ लगा ना। अंगूठा में कट गया नानी का, तो लेके आया मैं। आराम से बैठा ले। तो देवी मंदिर अभी जा रहे हैं सुबह में, और मामा पूजा करेंगे। सौरभ ये रहे ना रहे एक ही बात है। अरे मेन आदमी आना है, ये मामा मेरे पूजा करेंगे अभी। तो अभी हम सब जा रहे हैं देवी मंदिर ना, मामा आगे हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा जाने में। कितना दूर है यहाँ से? 5 मिनट की दूरी पर है। तो चलते हैं पहले मंदिर। वो पीला ऑरेंज ड्रेस में मामा है मेरे। अभी थोड़ा पूजा हो रहा है, कोई और पूजा कर रहा है, तो अभी रुके हुए हैं हम लोग। तो इसके बाद अभी मामा जाएंगे। तो अभी मामा ने पूजा कर लिया है, और ज़्यादा बड़ा पूजा था नहीं, बस नारियल और कुछ फल, कुछ क्या प्रसाद उसका चढ़ाना था उसी के लिए। तो इतना जल्दी हो गया कि मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, और फिर इसलिए थोड़ा सिनेमेट्रिक शॉट्स ले लिया हूँ। और अब जा रहे हैं, मामा भी जा रहे हैं, अभी घर जाते हैं, फिर देखते हैं वहाँ क्या करना है। अभी फ़िलहाल तो इतनी गर्मी है कि नहाने का मन कर रहा है मेरा, तो अभी जाके नहाऊँगा मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, क्योंकि प्रसाद बट रहा है। अभी पूजा खत्म हो गई है, जो भी पूजा थी। तो यहाँ पर सब आए हुए हैं अभी प्रसाद खाने, छोटे छोटे बच्चे। और यहाँ पूजा हुआ था, जो कल का वीडियो मैंने आपको दिखाया था। तो अभी प्रसाद मिला नहीं है, तो ये लोग खेल रहे हैं, इसके बाद प्रसाद मिलेगा इन लोगों को। तो अभी वहाँ पर प्रसाद बटता है, और प्रसाद अभी बटा नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा टहल ले रहे हैं, यहाँ वहाँ देख ले रहे हैं थोड़ा गांव कैसा है। पूरा खाली है यहाँ पर, ज़्यादा घर वर नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग छत पे, मतलब पेड़ पे चढ़े हुए हैं, करीब इतना ऊपर चढ़े हुए हैं हम लोग। अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है नज़ारा यहाँ से, बहुत अच्छा सही दिख रहा है। और अभी प्रसाद मिला नहीं था, तो अभी प्रसाद लाइन जाएंगे भाई। सब एकदम लाइन से, और एक ही डाली है, सब उसी पे चढ़ा हुआ है। कौन सा पेड़ है? सागवान का पेड़ है जिस पे चढ़े हुए हैं। काफी मजबूत पेड़ है ये भाई। बोल रहा है इस पे एक मोटा हाथी भी चढ़ जाएगा तो नहीं टूटेगा, इतना मजबूत है हाथी ना। मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ झूला जो झूल रहे हैं ना, ऐसे हिलने लगता है, तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाता है यहाँ पर।
आ रहा, यहाँ से बहुत सही नज़ारा आ रहा है। तो ये रहा सौरभ जो नीचे से फोटो खींच रहा है। तो अभी हम लोग उतरने वाले हैं, उतर जाते हैं। तो एक आए थे वो बोल रहे थे कि उतर जाओ गिर सकता है, इस वजह से उतर जाते हैं। अभी रिस्क भी है गिरने का, चलिए उतर के फिर बात करते हैं। तो अभी हम लोग गए थे प्रसाद लिए, उसके बाद प्रसाद मिला नहीं क्योंकि घर पहुंचा दिया गया था। तो अभी मैं फिर से जा रहा हूं और मंदिर के ऊपर वाला देखना है मुझे, नहीं राधा कृष्ण वाला मंदिर नहीं देखना, तो वही जा रहे हैं अभी राधा कृष्ण वाला मंदिर देखने। और बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो गाइस, ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है, नीचे शिव जी और गणेश जी और हनुमान जी का मंदिर था, और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है और यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर है जहाँ अभी ये सब खड़े हैं, अभी शायद कुछ पूजा करेंगी मामी। अभी हम लोग मंदिर से निकल गए हैं और जहाँ पर करीब 24 घंटे से पूजा हो रही है वो जगह मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर कल 11 बजे से आज 11 बजे तक पूजा हुई है जो आज बंद हुई है, और उसी का प्रसाद उरसाद मिल रहा है। सो मैंने अभी तक प्रसाद तो नहीं खाया, लेकिन मैं अभी घर पहुँचा दिया गया है प्रसाद, तो मैं अभी घर जाके खाऊँगा। तो यही है वो जगह, ये यज्ञ हुआ था यहाँ पर, बहुत 2 घंटा का लगभग यज्ञ था। वहाँ सब प्रसाद, तो ये एक परंपरा है जो करते हैं सब। सो गाइस, अभी पूजा खत्म हो गई है और अभी कलश विसर्जन हो रहा है। सो मैं वो आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। सो अभी कलश विसर्जन हो गया, कुआं में उसे विसर्जित किया गया और अभी चरणामृत प्रसाद के रूप में दिया जाता है। उसमें थोड़ा सा दूध और केला को पीस के और चीनी और थोड़ा आटा मतलब मिला के दिया जाता है, चरणामृत कहते हैं उसको। सो अभी सबने प्रसाद उसाद ले लिया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। सो घर में चल के देखते हैं कि आगे का क्या प्रोग्राम है। तो अभी हम सब जा रहे हैं घर। तो मामी आज बहुत ज़्यादा काम की हैं, क्या हो रहा था पता नहीं है, अखंड हो रहा था जिसका कोई खंडन नहीं है, अब मुझे नहीं पता इसका मतलब। सो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ और अभी मैंने खीर खा लिए प्रसाद। सो अभी हम लोग सोचे कि डॉगी से मिलने जाएं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक, क्या नाम है उसका, जीनी नाम का एक डॉगी है जो आपको दिखाता हूँ, बहुत क्यूट है। गाइज, आज देखा आपने वीडियो में बहुत पूजा हुई, प्रसाद खाए और बहुत ज़्यादा मेरे को घूमना भी पड़ा, और खाना कम ही खा पाया मैं, ठीक से नहीं खा पाया क्योंकि इतनी सारी पूजा थी, तो आना जाना, कुछ लेना, कुछ कम हो जाए तो उसको देना, ये सब करना पड़ा मुझे। सो आज तो बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय।